नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, कल इस कंपनी का रिजल्ट आना है, रिजल्ट कैसा आ सकता है, क्या यह कंपनी बड़ी ग्रोथ दिखाएगा या फिर नॉर्मल सा ठंडा पड़ जाएगा, सब कुछ एनालाइज करके हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कल आपको क्या करना चाहिए, क्या इस कंपनी को बाई कर लेना चाहिए या फिर इस कंपनी से निकल जाने में ही भलाई है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले अगर एनालाइज करके हम आपको बताएं इस कंपनी के तेजी के पीछे के रीजन को, तो दोस्तों इस कंपनी का जो पीछे का रीजन है वो इस कंपनी का रिजल्ट है, यानी लोगों ने रिजल्ट से पहले इस कंपनी को बाइंग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि यह कंपनी अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट करेगा और एक बड़ा तेजी दिखाएगा। लेकिन अभी भी यह कंपनी अपने 50 के RSI लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो जो लोग भी फ्रेश इंट्री करने की सोच रहे हैं, फिलहाल अभी के लिए दूर रहें। जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो कल उन्हें अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का जो रिजल्ट आना है वो थोड़ा सा मिक्सअप आता हुआ नजर आएगा क्योंकि इस कंपनी में जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, इस कंपनी का जो सेल है वो लास्ट ईयर रहा है 92 का और इस बार भी लगभग आसपास, यानी प्लस माइनस आप 10 या फिर इसके अराउंड में लेकर चल सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी ग्रोथ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आने वाली है, इसीलिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रखा है तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलें, और या फिर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखा है तो आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री वाले फिलहाल अभी के लिए दूर रहे तो बेटर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।